प्लीज डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, गेट द नोटिफिकेशन। जय हिंद, आप सभी को सत नमन। सो भारत के भूगोल में हम लोगों का आज टॉपिक है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, अब हम लोग पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में पढ़ेंगे। क्या पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ठीक है? अभी मैं तो आशा कर ही सकता हूं कि आप लोग पश्चिम और पूर्व जानते हो। अगर नहीं जानते तो आप क्या, ये मैंने आपको बताया है, ऐसे लाइन ऊपर नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा, इधर की तरफ होगा आपका वेस्ट, इधर की तरफ होगा ईस्ट, यानी कि पश्चिमी घाट ये है, पूर्वी घाट ये है। अब पश्चिमी घाट पूर्वी घाट के बारे में जानने से पहले हम लोग चलते हैं यात्रा पर, मौज मस्ती करते हुए उस यात्रा को पूरा करते हैं। और यात्रा में अपने साथ आप लोग किसी को ले मत जाना, किसी को ले नहीं जाना है, स्पेशली लड़की को तो ले जाना है, बिल्कुल लड़की सुन ले, उनको भी लड़कों को नहीं ले जाना, साथ नहीं जाना। साथ जाओगे तो तुम लोग पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की यात्रा नहीं कर पाओगे, और आप करेंगे तो यहीं पर बैठ जाएंगे। आप पहुँचे कहाँ पर, हरिश्चंद्र पर्वत पर, वहीं पर बैठ गए सो गए, यहाँ ऊटी पहुँच गए। अब तो ऊटी हम छोड़ेंगे ही नहीं, ऊटी अब नहीं छोड़ेंगे, हमें सारा यात्रा यहीं पर बंद कर देना है। तो हो सकता है ऊटी बड़ा अच्छा स्थान है, कोई मन्नार की खाड़ी में चला गया, अरे ये तो बड़ा अच्छा समुद्र है, अब मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ, बीच पर पहुँच गए, तो अकेले अकेले चलना है जिससे आप लोग यात्रा कर लें। चलिए चलते हैं। यह है पश्चिमी घाट और यह है क्या पूर्वी घाट। अब पश्चिमी घाट की अगर हम उत्तरी सीमा का निर्धारण करें, तापी नदी से, क्या तापी नदी से इसकी सीमा निर्धारित होती है, नहीं तापी नदी से शुरू होता है क्या अपना पश्चिमी घाट। तो पहले पश्चिमी घाट चलते हैं। अब तापी नदी से जब आप दक्षिण आएंगे, स्पेशली महाराष्ट्र, क्या स्पेशली महाराष्ट्र, तो आपको बहुत ही सुंदर मनोरम स्थान मिलेगा, क्या सुंदर मनोरम स्थान मिलेगा। उसको कहते हैं सालहेर, क्या सालहेर, अरे ये पर्वत है, यहाँ पर केवल देखना है और चल देना है, क्या देखना है और चल देना है, ज़्यादा रुकना नहीं है, यहाँ रुकोगे तो नुकसानदेह होगा, हो सकता है चढ़ जाओ, तुम चढ़ जाओगे तो क्या होगा, सांस फूलने लगे, कोरोना में सांस वजह लोगों का फूल रहा है, यहाँ पहुँचोगे तो और फूलने लगे, तो आपको चढ़ना नहीं। अब सालहेर से आप थोड़ा सा दक्षिण आए, क्या थोड़ा सा आप दक्षिण आए तो आपको मिलेगा अजंता, क्या अजंता पर्वत श्रेणी, क्या अजंता पर्वत श्रेणी, ठीक है, अजंता पर्वत श्रेणी मिला, बहुत खुश आप, क्या बहुत खुश, अजंता श्रेणी, अजंता गुफा कभी देखा नहीं था, अब देख लूंगा इसी समय। सो अजंता पर्वत श्रेणी को आपने देखा, मौज मस्ती किया। अब अजंता पर्वत श्रेणी से थोड़ा थोड़ा आप पूर्व चलिए, तो आपको थोड़ा जब पूर्व चलेंगे तो आपको मिलेगा सह्याद्री पर्वत श्रेणी, क्या सह्याद्री पर्वत श्रेणी, ये भी सभी बात हो रही महाराष्ट्र की, ये ध्यान रखना, जहाँ भी अलग राज्य आएंगे उसको मैं आपको बताऊंगा, ठीक, सह्याद्री पर्वत श्रेणी। अब सह्याद्री पर्वत श्रेणी से थोड़ा और आगे बढ़ लीजिए, क्या थोड़ा और आगे बढ़ लीजिए, ये मैं इधर जा रहा हूँ तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं किसी दूसरे राज्य में जा रहा हूँ, ठीक है। तो सह्याद्री के बाद आप थोड़ा जब और जाएंगे तो आपको मिलेगा सतमाला पर्वत, क्या सतमाला पर्वत, सतमाला पर्वत श्रेणी, ठीक है सतमाला हो गया। अब सतमाला पर्वत श्रेणी यहां पर है, ये ध्यान रखिएगा, और एक सतमाला क्या है पहाड़ी है, क्या सतमाला पहाड़ी है मध्य प्रदेश में, उसको भी ध्यान रखिएगा, वो पहाड़ी है, ये पर्वत श्रेणी है। अब देखिए, अब आपको क्या दिया गया, क्वेश्चन दिया गया कि आप पूर्व से पश्चिम, क्या पश्चिम से पूर्व सजाएं या पश्चिम पूर्व से पश्चिम सजाएं, आपको पता है आप सजा दीजिए, या कहे उत्तर से दक्षिण, तो ये 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 और ये आप ऐसे सजा दीजिए, ठीक है। यहीं पर
सहारी पर्वत और सतमाला के बीच एक निर्मल पर्वत श्रेणी है। क्या? निर्मल पर्वत श्रेणी, इसको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि इसको एग्जाम में पूछा नहीं गया है अभी, और तो सारे पूछे गए हैं, तो हो सकता है इस पर नंबर आ जाए निर्मलका का पर। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा आराम से पहाड़ियों को छोड़कर फिर आते हैं कहाँ पर? चोटी पर। क्या? चोटी पर। अब सलहर के दक्षिण आपको मिलेगा एक चोटी जिसका नाम है कलसुबाई। क्या? कलसुबाई। चलो ठीक है, कलसुबाई को अब देख लें हम लोग। ये कलसुबाई चोटी है, यहाँ इसको केवल देखकर चल देना है क्योंकि समय हम लोगों के पास नहीं है। क्या? हम लोगों के पास समय नहीं है। अब इसको देखा, इसके बाद तुरंत फिर एक चोटी आ गई। क्या? एक फिर चोटी आ गई, हरिश्चंद्र। क्या? हरिश्चंद्र पर्वत। क्या? हरिश्चंद्र पर्वत कलसुबाई के दक्षिण में है। पर्वत तो हरिश्चंद्र हो गया, पर्वत हरिश्चंद्र हो गया, लेकिन मनुष्य हरिश्चंद्र नहीं बन पा रहे हैं। और ये अपने राष्ट्र के लिए सबसे कह सकते हैं घातक बीमारी है, जिसने करप्शन को जन्म दिया और करप्शन से हर एक वर्ग क्या ग्रसित है। अब हर एक वर्ग ग्रसित है, करप्शन करता क्यों, कौन है? क्योंकि सभी करप्ट है, सभी करप्ट है। अब सभी करप्ट है तो देश कैसे चलता है? सभी करप्ट हो नहीं सकते। अब जो कुछ अच्छे हैं उन्हीं के कर सकते हैं त्याग बलिदान से देश चल रहा है। तो आप कोशिश करिए कि आप हरिश्चंद्र ना बने, लेकिन अपने ड्यूटी अपने कर्तव्य के प्रति हर समय समर्पित रहे। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के रूप में, टीचर है तो टीचर के रूप में, जो भी आपको काम मिले उस काम को आप अच्छे ढंग से करिए। उससे ज़्यादा राष्ट्र को आपसे कोई जरूरत नहीं, और जो काम मिले उसको अच्छे ढंग से करिए। ठीक है, बाद में चलिए। हरिश्चंद्र पर्वत, तो हरिश्चंद्र पर्वत है, आप भी हरिश्चंद्र के कुछ गुण को लेने की कोशिश करिए। अब हरिश्चंद्र पर्वत से आप थोड़ा जाएंगे कहाँ? पूरब, तो आपको मिलेगा बालाघाट पर्वत श्रेणी। क्या? बालाघाट पर्वत श्रेणी। ठीक है, बालाघाट पर्वत श्रेणी। आप थोड़ा क्या, थोड़ा फिर नीचे आइए, किसे? हरिश्चंद्र से। हरिश्चंद्र से फिर नीचे आइए यानी कि दक्षिण की तरफ, आपको एक चोटी और मिल जाएगी अच्छी सी। क्या? आपको एक चोटी और मिल जाएगी अच्छी सी, महाबलेश्वर। क्या? महाबलेश्वर। ठीक है, अब ये जितना मैंने आपको बताया ये सभी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। क्या? महाराष्ट्र में, और इस क्रम में है। क्या? इस क्रम में है। इसी क्रम को आपको याद करना है और एग्जाम में तुरंत दे देना है एक नंबर, तुरंत आपको एक नंबर मिलेगा, बस इसको ध्यान रखें। अब यहाँ पर सब तो महाराष्ट्र में है, ये जो सतमाला है महाराष्ट्र यमएच के साथ एपी में है, एपी माने आंध्र प्रदेश में भी, थोड़ा आंध्र प्रदेश में है और महाराष्ट्र में है, तो ये इतना आपको क्या ध्यान रखना। हम लोगों ने बात कर लिया महाराष्ट्र की, अब इसको इरेज करेंगे तभी तो दूसरा राज्य देखेंगे। इसको मैं इरेज करता हूँ, आप लोग क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब महाराष्ट्र के बाद दूसरा राज्य कौन आता है इसको हम लोग देखते हैं। क्या? दूसरा राज्य कौन आता है इसको देखते हैं। दूसरा राज्य तो आएगा कर्नाटक, समान सी बात है। अब कर्नाटक चलते हैं। क्या? कर्नाटक चलते हैं। अब यहां तक हमने महाराष्ट्र देखा, अब यहां से हम लोग देखेंगे कर्नाटक। इधर से कर्नाटक में आप जाएंगे तो सबसे पहले जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है पहाड़ी है वो मिलेगा बाबा बोधन कहलाता है। क्या? बाबा बोधन। चलो देख लें बाबा बोधन को, ये है आपका बाबा बोधन पहाड़िया। क्या? बाबा बोधन, बाबा थे बहुत बुद्धदात्त रहे। क्या? बहुत बुद्धदात्त रहे, मतलब बाबा जो होते हैं ना, वो कुछ बाबा होते हैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, नाती से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन जब ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं तो देखा जाता है आजकल, आजकल पहले तो नहीं होता था, कि उनको छोटे छोटे लड़के चिढ़ाने की कोशिश करते हैं तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, और जो वृद्ध हो उनको चिढ़ाना कभी नहीं, नेवर, बहुत गलत बात है। हर आदमी उस स्थिति में पहुंचेगा, हर आदमी उस स्थिति में पहुंचेगा, आप उनको जितना मदद कर सकते हैं मदद करें, वही तो सामाजिक संबंधों का आधार है। बाय द वे बाबा बोधन पहाड़ी, बाबा बोधन पहाड़ी से आप जाइए थोड़ा क्या पश्चिम। क्या जाइए?
थोड़ा पश्चिम, तो एक आपको मिलेगा चोटी कुद्रीमुख, क्या कुद्रीमुख एक चोटी मिलेगी, ठीक है। इतना आपको, हाँ बाबा मोदन पहाड़ी हो गया, कुद्रीमुख हो गया। अब कुद्रीमुख से थोड़ा दक्षिण, क्या थोड़ा दक्षिण या बाबा बोधन से, बाबा बोधन से थोड़ा दक्षिण, किधर तमिलनाडु की तरफ, तमिलनाडु की तरफ बाबा बोधन से थोड़ा दक्षिण पूर्व आप जाएंगे तो आपको एक पहाड़ी मिलेगी जिसका नाम है मेलांगिरी, क्या मेलांगिरी, क्या मेलांगिरी, क्या मेलांगिरी, मेलांगिरी, ये कर्नाटक में, ये कर्नाटक में। और मेलांगिरी जो है, जो मेलांगिरी है ये कर्नाटक में भी है और कहाँ पर है, तमिलनाडु में भी, क्या ये तमिलनाडु कर्नाटक में है। अब चलते हैं आगे, अब हम कहाँ चलेंगे, केरल भी है ना, क्या केरल भी है अपना, तो केरल चलते हैं। केरल कहाँ पर है, ये क्षेत्र है, तो केरल को ऊपर लिख रहा हूँ, केरल तो यहाँ पर है, यहाँ पर ऊपर लिखूंगा जिससे आपको आसानी हो, ठीक है। तो हमने कर्नाटक देख लिया, क्या कर्नाटक हमने देख लिया, अब केरल, केरल में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे पहाड़ी मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे। तो पहला हम लोग देखते हैं, पहला यहां पर आपको जब केरल में जाएंगे तो यहीं पर लिखता हूं मैं, ज्यादा बेटर रहेगा। यहां पर आपको मिलेगा नीलगिरी, क्या नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी पर्वत बहुत ज्यादा प्रसिद्ध, ये एक गांठ कह सकते हैं, गांठ है, गांठ का मतलब आप कह सकते हैं इधर से पूर्वी घाट, इधर से पश्चिमी घाट, इधर से पूर्वी घाट, दोनों आके यहाँ पर मिलते हैं तो एक गांठ नुमा बन जाती है, इसे नीलगिरी गांठ बोलते भी हैं। अब नीलगिरी आपका है, नीलगिरी में एक स्थान पाया जाता है जहाँ पर आप लोग मस्ती करना चाहते हैं, मौज करना चाहते हैं और वहाँ रुकना चाहते हैं, वो है ऊँटी, यहीं पर क्या नीलगिरी में ही ऊँटी पाई जाती है, क्या नीलगिरी में ऊँटी पाई जाती है, ठीक है। अब ये हमारी ख्याल से नहीं होगा, ठीक है, ऊँटी, ऊँटी का विकास कैसे हुआ था, अंग्रेजों ने किया था अपने लिए रहने के लिए और जाके पर्वत को खोद खाद के पर्यावरण को वहाँ नुकसान करके अपना घर बनाया, आज बहुत भारतीय भी जाते हैं। अब नीलगिरी में पर्वत पहाड़ पर जहाँ जानवर रहते हैं वहाँ रहने की ज़रूरत क्या है, लेकिन बन गया तो बन गया तो बन, ठीक है। अब उसे अगर हम मिटाएंगे तो नुकसान है, तो जो बन गया बन गया नीलगिरी। अब नीलगिरी में ऊँटी मिल गया, ठीक है, अब और क्या है आपको नीलगिरी का सबसे पूछा जाता जा सकता है, सबसे ऊँचा चोटी, सबसे ऊँची चोटी, तो सबसे ऊँची चोटी जो इसकी है वो है दोदा बेटा, क्या दोदा बेटा, ठीक है, दोदा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अब ये नीलगिरी, नीलगिरी दोदा बेटा, स्पेशली नीलगिरी, नीलगिरी दो राज्यों में आएगा, क्या केरल और तमिलनाडु, यानी केरल में भी है और तमिलनाडु में है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते, अब आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा पाल घाट, क्या पाल घाट, आगे भी हम लोग देखते हैं भोर घाट और थाल घाट पहले, और यहाँ पर पाल घाट, क्या पाल घाट। अब पाल घाट क्वेश्चन पूछा जाता है, पाल घाट किस किस शहर को मिलाता है, अगर राज्य पूछा जाएगा तो आपको स्पष्ट बता देना है केरल और तमिलनाडु, अगर क्या पूछता है, अगर पूछता है किस शहर को मिलाता है तो भी आपको बताना है, क्या किस शहर को मिलाता है, तो पाल घाट दो शहर को मिलाता है, कौन सा, कोयम्बटूर और कोचीन, क्या कोयम्बटूर और कोचीन, ठीक है, कोयम्बटूर कोची, ठीक है, कोयम्बटूर और कोची को मिलाता है। अब आगे चलते हैं हम लोग, अब आगे जब पाल घाट से आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा अन्नामलाई, क्या अन्नामलाई पहाड़ियाँ, ये भी एक गांठ की तरह है, क्या अन्नामलाई, अन्नामलाई पहाड़ी, ठीक है, अन्नामलाई पहाड़ी हो गया।
अब अन्नामलाई पहाड़ी में ही आपको पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी मिलेगी। क्या? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। कौन है सबसे ऊंची चोटी? अन्नामुडी, या क्या अनाईमुडी भी बोलते हैं, अनाईमुडी। अनाईमुडी जो है सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? पश्चिमी घाट। अभी पश्चिमी घाट की बात हो रही है। अब अन्नामलाई से थोड़ा आप क्या जाइए, अन्नामलाई से थोड़ा पूरब जाइए। तो पूरब जाएंगे तो आपको मिलेगी पालनी पहाड़ी। क्या? पालनी पहाड़ी। इसके पूरब, अभी हम केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर हैं, ये आप देखिएगा क्योंकि ये किनारे आ गया हूँ लिखते लिखते। क्या? पालनी पहाड़ी। क्या? पालनी पहाड़ी। ठीक है, ये है आपका क्या पश्चिमी घाट पर जो अस्थलाकृति हैं उनका स्थान। क्या? अस्थलाकृति हैं उनका स्थान। अब ये आपको, ये कहाँ पर है? बिल्कुल केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर ये सब कहानी हो मैं बता रहा हूँ, ये तमिलनाडु में। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं कहाँ? पूरब घाट में। पूरब यानी कि इधर से हम देखेंगे। पूरब को देखने से पहले मैंने अभी बताया था कि घाट, पाल घाट तो हमने देख लिया। क्या? पाल घाट देख लिया। अब दो घाट और हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है स्पेशली। ठीक है, एक घाट आपको मिलेगा थाल घाट। क्या? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है ये थाल घाट। क्या? थाल घाट। थाल घाट जो है ये दो शहरों को मिलाता है, नासिक और मुंबई को। क्या? नासिक और मुंबई को। क्या? नासिक और मुंबई को मिलाता है। और इसका क्रम भी पूछा जाता है कि थाल घाट सबसे ऊपर है कि पाल घाट सबसे ऊपर है कि भोर घाट है, तो मैं उसी क्रम से लिख रहा हूँ। दूसरा है भोर घाट, यानी थाल घाट के बाद आपको भोर घाट मिलेगा। अब भोर घाट दो शहरों को मिलाता है, कौन कौन शहरों को? मुंबई और पुणे को। क्या? मुंबई और पुणे को मिलाता है, मुंबई और पुणे को मिलाता है। ठीक है, और आप कह सकते हैं दो स्टेशन को मिलाने वालों में आप कह सकते हैं, एक है खपोली। क्या? खपोली रेलवे स्टेशन और खंडाला। क्या? खपोली रेलवे स्टेशन और खंडाला, तो दो स्टेशन का बात अगर किया जाए तो। थाल घाट हो गया, भोर घाट और पाल घाट हम लोगों ने देखा ही यहाँ पर, तो ऐसे आप क्रम भी इसको याद रखिए। क्या? ऐसे आप इसका क्रम याद रखिए। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए, इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। प्लीज डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, गेट द नोटिफिकेशन।